हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल स्मार्ट लॉजिकल ट्रिक्स में। और आज मैं आपको बताऊंगा एसएससी सीपीयू 2016 का फाइनल रिजल्ट के बारे में, उसके बाद उसकी कट ऑफ क्या होगी, पिछले साल कितनी कट ऑफ आई थी और कब ये रिजल्ट आपका लॉन्च होगा, क्यों इतना देर लगा इसको आपका 2016 को रिजल्ट को आने में, क्या क्या दिक्कतें रहीं और क्या क्या इसके अंदर आपकी किस डेट को ये लॉन्च रिलीज होगा, कब आएगा आपका एसएससी सीपीयू फाइनल 2016 का रिजल्ट। तो देखते रहिए इस वीडियो को, इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कहना चाहूँगा कि गाइस सभी, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को की वीडियो को शेयर करें। और अगर आपको वीडियो में कुछ पसंद ना आए तो हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम आपकी पूरी सहायता करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला है गाइस आपका फाइनल में जो 2015 में जो आपकी कितनी कट ऑफ आई थी, तो आपके जो मार्क्स थे 2015 में वो थे 500 मार्क्स में से जो दिल्ली पुलिस की जो कट ऑफ आई थी वो एसआई की वो थी 329.50, सीएसएफ की थी 301.25, एसएसबी की थी 300.00, आईटीबीपी एसआई की थी 282.75, बीएसएफ एसआई की थी 267.50, CRPF SI की थी 266.75, CISFA SI की थी 255.50। अब जो इस साल क्या आएगी, बहुत से बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन है कि इस साल क्या आएगी। मैं कई बार SSC भी गया था तो वहाँ गाइस कुछ नहीं बताया गया SSC के CPU के 2016 के रिजल्ट की कट ऑफ के बारे में, एकदम गुप्त रखा गया है और पता नहीं चला कुछ भी। लेकिन हाँ, हमने पिछले पेपर्स और पिछले कट ऑफ्स को देख के एनालाइज करके इतना में जो पता चला और जिस टाइप से पेपर का जो भी है आपका, मतलब पूरा एनालाइज करने के बाद हमें जो पता चला है, जो हमने वो हम आपके सामने लेके आए हैं कि इससे ऊपर के कट ऑफ फाइनल 2016 के रिजल्ट की नहीं जाएगी। तो आइए इसके बारे में आप देख लेते हैं हमारी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। तो जैसा कि आपको पता है हमारे चैनल के बारे में स्मार्ट लॉजिकल ट्रिक्स, ठीक है, जो एक्सपेक्टेड है आपकी 2016 की फाइनल की कट ऑफ 400 मार्क्स में से वो दिल्ली पुलिस की एसआई की है 282, सीएसएफ की है 254, एसएसबी की है 252, आईटीबीपी की है 234, बीएसएफ की है 220, सीआरपीएफ की है 218 218 218, और CISF असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ASI की 208। ये गाइस मैक्सिमम है, इससे ऊपर की कट ऑफ आपकी किसी भी हाल में नहीं जानी चाहिए, ठीक है। ये पूरा मैक्सिमम है, मिनिमम आप इसके अंदर 4-5 मार्क्स गिरा के देख सकते हो, उतने कम आपकी होगी। यानी जो आपका ASI है वो 203 से लेके 208 के बीच में होगा। CRPF SI का 211 से 218, BSF SI का 210 से 220, ITBP का 225 से 234, SSB SI का 245 से 252, CISF का 247 से 254, DPSI का जो है आपका 275 यानी 275 से 282। अब बात करते हैं कि इसका जो रिजल्ट है वो आपका कब आएगा। तो गाइस इसका जो रिजल्ट था, वो आपका, आप सभी को पता है कि 15 अगस्त को आना था, 15 अगस्त 2017 को ये लॉन्च रिलीज होना था SSC की साइट पे, लेकिन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि बहुत से बच्चों का और बहुत से स्टेटों में जो है, जो SSC ने को भेजा गया था डाटा भी उनके डॉक्यूमेंट्स का, उसके अंदर कुछ उन्हें प्रॉब्लम मिली SSC वालों को, कुछ डाटा करप्ट था। तो SSC ने जिन जिन स्टेट में जिन जिन बच्चों के डाटा डॉक्यूमेंट्स में दिक्कत थी, उनको दोबारा उनका रिवेरिफिकेशन कराया और 18 अगस्त को ये वेरिफिकेशन था। वेरिफिकेशन सक्सेसफुली हो चुका है और सारा डाटा जो है स्टेट्स के द्वारा SSC की को सेंट्रल को जो इसका मेन ब्रांच है उसको भेज दिया गया है। और जो आपका रिजल्ट है वो प्रिपेड है, बस जो आपकी चेकिंग है वो हो रही है, रिवेरीफाई वो हो रहा है, रिवाइव उसको किया जा रहा है कि और कोई दिक्कत तो नहीं है इसके अंदर। और जैसे ही ये सारी डिटेल्स चेक हो जाएंगी वैसे ही आपका SSC CPU का रिजल्ट 2016 का जो है वो SSC रिलीज कर देगी, ठीक है। मेन बात ये है कि कब तक आएगा। तो गाइस जो इसकी एक्सपेक्टेड डेट जो है वो आपकी 1 सितंबर
2017 है, 1 सितंबर तक, सितंबर तक ये आपका रिजल्ट लॉन्च हो जाना चाहिए, वरना ये जो वहाँ से जो पता चला था कि ये जो वीक है आपका लास्ट वीक जो होगा अगस्त का, उसमें एसएससी का सीपीओ का 2016 का जो है फाइनल रिजल्ट रिलीज कर दिया जाएगा। ठीक है, तो अब जो रिजल्ट है वो आपका प्रिपेड है, दोनों 2017 का जो टीयर वन है वो भी और 2016 का जो है वो भी, तो कभी भी आपके रिजल्ट आ सकते हैं। हो सकता है कि इस वीडियो के बाद ही आपका, आज आप शाम को देखें तो आपको रिजल्ट आपको मिल जाए, वरना आप इस वीक इंतज़ार कीजिए, आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा। और मैं आशा करता हूँ कि आपका रिजल्ट अच्छा हो, पॉजिटिव हो, तो इसके लिए आपको आपको बेस्ट ऑफ लक। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, और अगर आपको इस वीडियो में कुछ कमी लगी हो या फिर आपको हमें कोई राय देना चाहते हो तो आप कमेंट कर सकते हो, हम आपकी, अगर आपको कोई प्रॉब्लम भी हो तब भी आप कोई कमेंट हमें कमेंट कर सकते हो, हम पूरी कोशिश करेंगे आपके डाउट्स क्लियर करने की। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।